सलाम
बताने हो गया था नाक और दूसरी में भी चीज है फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना आपने कल कौसर मैंने कौसर दे कौसर करीम है कि सब चीजें कायनात की हर चीज अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को दे दी तो हजरात रहमत अल्लाह नाथ ने रूफ और रहीम नाथ ने सिराज मुनीर नाथ ने नजीर बशीर नहीं है शायद मुबशर नहीं है यासीन ताहा मुदस्सर मुजम्मल नहीं है ना हजरात सारा पुरानी नाथ इसलिए आप सुन्नत इलाही पे चल रहे हैं हम मुखालफत नहीं कर रहे जो अल्लाह के तर्ज है वो हम कर रहे हैं फिर हदीस पाक का ये हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है कोई रब रब करे या हाजो या प्रयोग करे सुभान अल्लाह करे और मेरे हबीब का जिक्र ना करे ऐसे बंदे और ऐसे जवाब का जन्नत का हिस्सा ही जन्नत में नहीं हिस्सा उनका जन्नत में सुभान अल्लाह फरमाया मेरा भी जिक्र करे मेरे हबीब का भी नाल करे उसकी वजह से मेरा जिक्र भी कबूल हो गया फिर अल्लाह ताला फरमाता मेरा नाम ही करे जब ऐसे नहीं कर रहे एक हम तो एक छोटी छोटी धोखा देने वाला डॉक्टर साहब अल्लाह का जिक्र नाम ही करे जिक्र मुस्तफा करे फरमाया अल्लाह ताला वो भी मेरे जिक्र तो हम अल्लाह के हुक्म से उसकी सुन्नत पे चलते हुए हुजूर की इबादत पेश कर रहे हैं ये ऐन इस्लाम है ऐन कुरान है कब्र में जाएंगे कब्र जो है ना कितनी लंबी चौड़ी लंबी कितनी होती है 7 फुट चौड़ी की नहीं 3 फुट ऊंची की नहीं ये गड़ा भी रहना या जन्नत का बाग बनना है या जहन्नम का गड़ा बनना कबर में कबर नहीं रहना पर जन्नत का बाग बनाना बड़ा नुस्खा क्या है सुभान अल्लाह 3 साल होने उनका जवाब आ गया ठीक तो जन्नत का बाग बन गया ये जवाब ना आए तो जानो का गड़ा बन सवाल ये तेरा रब कौन है कौन है तेरा रब जवाब दी के कबर हो गई हो गई है कुछ बदली नहीं तेरा मतलब है केड़ा है कबर पे कोई असर नहीं होया जवाब दी ये जब जलवा गा रहे हस्ती नौरानी तेरी कबर में आया बंदे इसके लिए दुनिया में कौन सी डाल पड़ता है जब कोई नाथ का शेर पढ़ देगा उस इलाके में पास भी होएगा कबर जन्नत का पास बन जाएगा जो कभी बंद नहीं होगी सीधी जन्नत में ले जाएगा ये हजरत उस्मान गनी का जिक्र था फरमाया जो कबर में पास आगे भी पास कबर में फेल वो आगे फिर कबर जन्नत का बाग किसने बनाया आए आए करेंगे रात्री रात्री हम जानते नहीं ये कौन है वही जानेगा जो दुनिया में नाद पढ़ता है या सुनता है सुभान अल्लाह एक शेर याद भी कर लो चले रहो फिर मैं चले रहा हूँ एक शेर आ गया अशर वाले दिन बड़ी अफरा तफरी बड़ा होना बड़ा मुसीबत का दिन है अशर इस वक्त दुनिया में सूरज 9 करोड़ मील दूर है वैसा कितना उस दिन 15 फुट दे होना हम चमक रहा है साढ़े सिर दे घंटा
उसे चमड़ा 50,000 साल हर बंदे दे सिर ते सीने कर दे मैं। लेकिन कुछ लोग अर्श के साये के नीचे आराम से सोए हुए हैं। फिर से आज कह या अल्लाह हमें हुक्म दे इनको भी उठाए, ये कौन लोग हैं? अल्लाह रहने दे कि ना खा है और ना सुनने पर है। जो थे आसाइश लेनी है, आराम लेना है और ना किया तो बचना है, रास्ता तो बचना है, ना पढ़ ले तो सोना है। और सबसे ज्यादा फायदा जो है, सारे ही फायदे हैं, जहाँ नाश नहीं पड़ी जाती है, मुसीबत पड़ी जाती है, उसमें आने से 20 लाख बुरी महफिलों के गुनाह मिट जाते हैं। किसी चीज से मिटते नहीं, सिर्फ मिटते हैं। दूसरे हदीस पाक का मफहूम है, जब आप आते हैं हम तो गुनाह लेके आते हैं, जब ना शरीफ सुनते हैं तो हमारे गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। फिर इसको फरिश्ते घेर लेते हैं, मशरिक मगरब शुमाल जुनूब के फरिश्ते आ जाते हैं। जब महफिल खत्म होती है तो बारगाह आलिया में जाकर रिपोर्ट पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे मेरी अजमत की कसम, मैंने सबको तो कहते हैं या अल्लाह, कुछ लोग नाच के लिए नहीं आए थे, किसी और काम से आए थे, तो मैं जो ना बोल बह जाऊंगा बेटा। एक है वो जगह जन्नत की प्यारी, कवर तक कौन रोट देखेगा, देख लो देखे बन जाए। फर्मा ग्राम से पूछा, सिद्धू के सामने पूछा जी सरवत का सामने, ये कच्ची है जो पक्की जन्नत का जो रब देखता है पक्की देखता है। जहाँ हजूर करीम की का जिक्र होता है नाथ शरीफ पर ही चलती है, वो जगह जन्नत की प्यारी है। जान की कुछ भी हिम्मत करो तो पहुंच जाओ।